नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास टेम्पोरोमेंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरोमेंडिबुलर जॉइंट की बोन्स के लिगामेंट्स और आर्टिकुलेट डिस्क के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे हम मैस्टिकेशन के मसल्स को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इनका बोनी कंपार्टमेंट देखने के लिए आप इस डायग्राम पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब आप बताएंगे ये जो हमारे पास मैंडिबुलर बोन थी ना, ये मैंडिबुलर बोन का कौन सा प्रोसेस था? कंडाइलर। और कंडाइलर का भी हमने कहा था कि नीचे वाला कंस्ट्रक्टेड पोर्शन नेक होती है और ऊपर हेड होता है, तो ये कंडाइलर का क्या हुआ? हेड हुआ। ये कंडाइलर का हेड हुआ और ये ऊपर हमारे पास टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन का ये है हमारे पास आर्टिक्यूलर ट्यूबरकल, और ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं मैंडिबुलर फोसा, ठीक है। तो एंटीरियर पोर्शन ऑफ मैंडिबुलर फोसा एंड आर्टिक्यूलर ट्यूबरकल ऑफ टेम्पोरल बोन प्लस कंडाइलर हेड ऑफ मैंडिबल, इनके दरमियान हमारे पास क्या है? मैंडिबुलर ज्वाइंट बनता है। तो मैंडिबुलर ज्वाइंट में हमारे पास कौन सी दो मेन बोन्स इन्वॉल्व है? एक तो टेम्पोरल बोन इन्वॉल्व है और दूसरा मैंडिबल इन्वॉल्व है। टेम्पोरल के दो चीजें इन्वॉल्व है, एक हमारे पास आर्टिक्यूलर ट्यूबरकल और दूसरा हमारे पास मैंडिबुलर फोसा का एंटीरियर पोर्शन और मैंडिबल के रेमस का कंडाइलर प्रोसेस का भी हेड, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ आ रही है, ये मैंडिबल में रेमस होता है, ठीक है। और रेमस में हमने कहा था हमारे पास एक कोरोनॉइड और एक कंडाइलर प्रोसेस है, तो कंडाइलर का जो हेड है वो हमें टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाने में हेल्प कर रहा है। अब इस टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को क्या किया हुआ है? हमारे पास कैप्सूल ने लाइन किया हुआ होगा, ठीक है। ये बीच में जो चीज आपको नजर आ रही है और ये जो डिस्क नजर आ रही है ना, ये हम बाद में पढ़ते हैं, अभी सिर्फ आपने बोनी कंपार्टमेंट समझने थे। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है इसके लिगामेंट्स, ठीक है। लिगामेंट्स आपने याद रखना है, हमारे पास तीन लिगामेंट्स होते हैं, तीनों को हम बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट को, लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट को। ये है हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। अब आप देखेंगे ये अटैच कहां है, ये टेम्पोरल की जो आर्टिक्यूलर ट्यूबरकल थी वहां पे स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है? मैंडिबल के कोरोनॉइड कंडाइलर प्रोसेस की नेक पे, ठीक है। मैंडिबल की जो कंडाइलर प्रोसेस था उसका नेक था और ऊपर हेड था, हेड तो जॉइंट में इन्वॉल्व है, और जो लिगामेंट है वो कहां तक आ रहा है? मैंडिबल के कंडाइलर प्रोसेस की नेक तक आ रहा है, ठीक है। और इसका क्या काम है? ये कैप्सूल की लेटरल, ये अंदर की साइड पे कैप्सूल है, कैप्सूल की लेटरल साइड को स्ट्रेंथन कर रहा है। उसके अलावा ये हमारे पास मैंडिबल की जो पोस्टीरियर मूवमेंट होती है उसको रिस्ट्रिक्ट भी करता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की टेम्पोरल से लेके मैंडिबुलर तक अटैचमेंट है। टेम्पोरल पे कहां पे? आर्टिक्यूलर ट्यूबरकल और मैंडिबल के कंडाइलर की नेक के ऊपर। और इसका क्या काम है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस को प्रोटेक्ट करना और जो हमारे पास कैप्सूल की लेटरल एस्पेक्ट है उसको स्ट्रेंथन करना, इसके अलावा और जो मैंडिबल की पोस्टीरियर पोजीशन होती है उनको लिमिट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट। इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो रेमस की बॉडी है उसकी मीडियल सरफेस पे देखें हम तो मैंडिबुलर फोरामेन होती है और उसके ऊपर एक प्रोजेक्शन होती है जिसे लेंग्यूला बोलते हैं। तो ये लेंग्यूला ऑफ मैंडिबल से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? ज्वाइंट की मीडियल साइड पे स्फीनॉइड की स्पाइन तक, स्फीनॉइड की स्पाइन तक। ये आपको नजर आ रहा है स्फीनॉइड की स्पाइन से लेकर कहां तक आता है? लेंग्यूला तक आता है। और इसकी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, फर्स्ट फेरेंजियल आर के रेमिनेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो आखिरी बचा है हमारे पास, दैट इज स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट। अपने नाम से बता रहा है मैंडिबल पे भी लगेगा और स्टाइलाइट प्रोसेस पे भी, तो ये स्टाइलाइट प्रोसेस से स्टार्ट होता है और जो एंगल ऑफ मैंडिबल है ना वहां तक आता है, ठीक है। तो ये स्टाइलाइट प्रोसेस से कहां तक आ रहा है? हमारे पास एंगल ऑफ मैंडिबल तक आ रहा है और ये सिर्फ मेरली एक जो डीप फेशिया है ना उसका एक बैंड ही है, ठीक है। उसके बाद हम आर्टिकुलर डिस्क के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको पहले लिगामेंट्स दिखाती हूं एटलस में से, वहां पे ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास नीचे जॉइंट की आर्टिकुलेशन है और जॉइंट को जो है वो कवर किया हुआ है किसने? जॉइंट कैप्सूल ने। ये जो आपको नजर आ रहा है ये सारे का सारा क्या है? जॉइंट कैप्सूल है, ठीक है। अब इस कैप्सूल से मीडियल साइड पे आप देखेंगे अंदर की साइड पे, तो आपको सबसे पहला जो लिगामेंट हमने पढ़ा था, बल्कि सबसे पहला नहीं, ये स्फीनो मैंडिबुलर है, बल्कि पहला ही है। और लेटरल साइड पे, लेटरल साइड का मतलब है आउटर साइड पे, ठीक है। तो ये कैप्सूल की आउटर सरफेस को स्ट्रेंथन करता है, कहां से कहां तक है? ये ऑरिक्यूलर ट्यूबरकल है, ऑरिक्यूलर ट्यूबरकल से लेके कहां तक है? मैंडिबल की नेक तक है। ये पहला जॉइंट हो गया जिसको हम कहते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। अब मीडियल साइड से यानी अंदर की साइड पे जो मौजूद है वो था हमारे पास स्फीनो मैंडिबुलर, और वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्फीनॉइड की स्पाइन से स्टार्ट हो रहा है अंदर की साइड, और कहां पे जाके एंड होता है? अंदर की साइड ही लेंग्यूला पे, ठीक है, स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट। एंड देन हमारे पास स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट था जो ये स्टाइलॉइड प्रोसेस से स्टार्ट हो रहा है और एंगल ऑफ मैंडिबल तक आ रहा है। तो ये तीन लिगामेंट्स हैं जो इस जॉइंट को क्या करते हैं? स्ट्रेंथन करते हैं। तीनों का अपना अपना फंक्शन है। अब नेक्स्ट चीज हमने पढ़नी है आर्टिक्यूलर डिस्क। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास ना बाहर की साइड, तो यहाँ पे जो कवर करता है वो कैप्सूल होता है, लेकिन ये जो दोनों बोनी कंपार्टमेंट है इनके दरमियान में आपको ये ब्लू कलर की एक डिस्क नजर आ रही है, ये फाइब्रोकार्टिलेजियस डिस्क है। और इस डिस्क को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर डिस्क। ये आर्टिकुलर डिस्क दो कंपार्टमेंट में रीजन को डिवाइड करिए। जो ब्लैक वाली लाइनिंग आपको नजर आ रही है ये लोअर कंपार्टमेंट है, और ये जो ब्लैक वाली लाइनिंग है इसको हम कहते हैं अपर कंपार्टमेंट। सो ये अपर कंपार्टमेंट एंड लोअर कंपार्टमेंट में स्पेस जो बिटवीन दीज बोन्स है उसको डिवाइड कर देती है।
ये जो डिस्क होती है साइडों से किसके साथ अटैच होगी, कैप्सूल के साथ। अब इसकी जो अपर सरफेस है अगर आप वो देखें तो वो कन्वेक्स है, और इनर वाली सरफेस इसकी क्या है, कनकेव है। ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल के लिए और हेड के लिए मतलब बेस्ट उसने इसको मतलब जॉइंट बनाने के लिए इसकी बेस्ट पोजीशन इसको प्रोवाइड करी है। उसके बाद ये जो हमारे पास आर्टिकुलर डिस्क है, ये हमारे पास ना जो लेटरल टेरागॉइड मसल होता है उसके साथ भी टेंडन के साथ भी अटैच होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आर्टिकुलर डिस्क है, ये ऊपर व्हाइट वाला जो नजर आ रहा है ये अपर कंपार्टमेंट है, लोअर कंपार्टमेंट है। ये साइडों से कैप्सूल के साथ भी अटैच है और ये लेटरल टेरागॉइड मसल के टेंडन के साथ भी अटैच है। जब भी लेटरल टेरागॉइड मसल प्रोट्रैक्शन में हमारे पास मूव करेगा तो आर्टिकुलर डिस्क भी उसके साथ मूव करेगी। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ऑरिक्यूलो टेम्पोरल एंड मैस्ट्रिक ब्रांचेस हैं जो मैंडिबुलर नर्व की वो उसको सप्लाई करेंगी। और मूवमेंट्स में आपने याद रखना है कि जो हमारा मैंडिबल है ना ये एलिवेट भी हो सकता है, ये ऊपर की साइड भी जा सकता है, उसके अलावा ये डिप्रेस भी हो सकता है, नीचे की साइड भी जा सकता है। प्रोट्रैक्शन भी इसमें से हो सकती है, प्रोट्रैक्शन का मतलब होता है फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। और रिट्रैक्शन भी हो सकती है, रिट्रैक्शन जब हम चूइंग के दौरान दोबारा हमारे दांत नीचे जाते हैं फिर ऊपर आके मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिट्रैक्शन। तो ये सारी मूवमेंट अराउंड मैंडिबल बोन हो सकती हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन बता दूं तो मसल ऑफ मेस्टिकेशन जो है वो हमारे पास चार हैं, ठीक है। एक हमारे पास मेस्टर मसल होता है, दूसरा हमारे पास टेम्पोरेलिस होता है, फिर हमारे पास जो है वो लेटरल टेरागॉइड मसल्स हैं और मीडियल टेरागॉइड मसल हैं। लेटरल टेरागॉइड है और मीडियल टेरागॉइड है, इनके दो दो हेड्स होते हैं, इनको सप्लाई जो है वो ट्राइजेमिनल की मैंडिबुलर ब्रांच करती है। याद आपने रखना है कि मैस्टर और मीडियल MM के जो दोनों मसल्स हैं ना ये मैंडिबल को एलिवेट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है ये मैस्टर इसको क्या करने में हेल्प कर रहा है, एलिवेट करने में, और ये जो मीडियल टेरागॉइड है ये भी मैंडिबल को एलिवेट करने में ही हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास जो बाकी दो बच जाते हैं उसमें एक टेम्पोरेलिस है, ठीक है, जो प्रोट्रैक्शन में जो फॉरवर्ड मूवमेंट में हमें हेल्प कर रहा है। सैरो की मदद से आपको समझ आ रहा है टेम्पोरेलिस का जो है वो दोनों फंक्शन है। टेम्पोरेलिस में हमारे पास सुपीरियर पोस्टीरियर और एंटीरियर फाइबर होते हैं, जो सुपीरियर और एंटीरियर फाइबर होते हैं वो उसको एलिवेट करने में हेल्प करते हैं, जबकि जो पोस्टीरियर फाइबर हैं वो इसको रिट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो ये नीचे भी मूव करा सकता है और ऊपर भी, जबकि टेम्पोरेलिस क्या करेगा, सॉरी लेटरल टेरागॉइड इसको फॉरवर्ड मूवमेंट कराएगा यानी प्रोट्रैक्शन कराएगा, मीडियल टेरागॉइड और मास्टर जो है वो इसको एलिवेशन कराएंगे। तो मीडियल और मास्टर ये दोनों क्या करेंगे, एलिवेशन, ये फॉरवर्ड मूवमेंट जिसे प्रोट्रैक्शन कहते हैं, और ये एलिवेशन भी कर सकता है और रिट्रैक्शन यानी डिप्रेशन भी कर सकता है। तो नेक्स्ट चीज जो हमारे पास हेड एंड नेक एनाटॉमी में आ जाती है वो है स्कैल्प, ठीक है। इसके लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसका एक ही मसल होता है, इसकी आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई और लिम्फ ड्रेनेज डिस्कस करेंगे। और